साथियों, अभी जो दिल्ली निजामुद्दीन मरकज को टारगेट किया गया है, ये क्यों किया गया है, एक बड़ा सवाल है। जो कोरोना वायरस चीन से निकलता है, वहां लोग भय के माहौल में नहीं जी रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा वायरस हो गया भारत में आते आते कि ये वायरस अब धर्म का रूप ले चुका है, और इस वायरस को धर्म का जो नाम दिया है ये किसी और ने नहीं दिया। इस देश की जो मीडिया है, मेरा सीधा मानना है कि जो गोदी और दोगली मीडिया है, इससे बड़ा आतंकवाद इस देश के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार इस मामले को गंभीरता से ले, और ये जो कोरोना वायरस को मुसलमानों से जोड़ दिया, धर्म से जोड़ दिया, तालिबानी फरमान जारी कर रहा है, ऐसे मीडिया पे लगाम लगाए। 3 महीने से जो आंदोलन चल रहा था CAA NRC NPR के खिलाफ, एक तो सरकार उसमें विफल रही, वार्ता नहीं किया, सरकार डर गई, जनता के सड़कों पे आने से सरकार डर गई, और सरकार का जो बेसिक मुद्दा था वो सरकार उसको छिपाने के लिए, जो जनता से वादा किया उसको छिपाने के लिए, सरकार ने को एक मौका मिल गया ये कोरोना वायरस। जितना लोग वायरस से नहीं परेशान है, उससे ज्यादा सरकार और सरकार की प्रशासन और यहाँ की जो दोगली गोदी मीडिया है, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इससे बड़ा आतंकवाद भारत के लिए नहीं है। यहाँ की जो कुछ मीडिया है, मैंने जो 2-3 दिन से जो निजामुद्दीन मरकज का नौटंकी देखा है ये मीडिया के जरिए, ABP और ये News 18 हो, Z News हो, India TV हो, मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि सबसे पहले इस जहर आतंकवाद मीडिया को देखना बंद कर दो, घरों में टीवी पे इन सारे चैनलों को देखना बंद कर दो, और सबसे पहले इसका बायकॉट सोशल साइट पे करो। सब जहां जहां भी इसके फॉलोअर बने हुए हैं, सबको अनलाइक करो, और इसका जब TRP घटेगा तब इसे एहसास होगा कि मीडिया का काम क्या है। मीडिया का काम समाज को जोड़ना है, न कि धर्म के आधार पर नफरत फैलाना है, देश को कमजोर करना है। आप देख रहे होंगे कि 2014 के बाद से जो गवर्नमेंट आई है, इसने सबसे पहले क्या किया कि मीडिया के नब्ज को टटोला, दलाल गोदी मीडिया जितनी थी उसको खरीद लिया। उसमें नंबर 1 पे आप ले लें ABP है, उसके बाद आप ले लें India TV है, Z News है, News 18 भी है। आप देखिए, इन सारे चैनलों को आप देखेंगे तो जो काम सरकार ने नहीं किया वो पक्ष ये मीडिया रखती है, मानो सरकार मीडिया चला रही है। देश में हिंदू राष्ट्रवाद को स्थापित करने का काम देश की मीडिया कर रही है, देश के लिए दुर्भाग है। RSS और भाजपा से खतरनाक अगर देश में कोई है तो वो है दोगली और ये जो गोदी मीडिया है वो। मैं देश की जनता से, विशेष तौर पे मुस्लिम समुदाय से अपील करता हूं कि इसके जो फॉलोअर बने हुए इससे हटो, ये देश को बर्बाद कर देगा, नफरत फैला रहा है। जिस तरह से निजामुद्दीन मरकज को इसने टारगेट किया, कुछ सवाल है मेरा कि वो लोग जो फंसे हुए हैं, जो वहां फंसे थे उसको ये कह रहे हैं छिपे हुए हैं। अरे तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है, फंसा और छिपा दोनों में फर्क है। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इन दिनों जो माहौल है उसमें कई प्रश्न है। एक तो है कि केजरीवाल ने जिस तेजी के साथ FIR की बात की, उस पर मैं केजरीवाल से सवाल करता हूं कि तुमने जब 3 दिन दिल्ली जला तो तुमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, तुम्हारी जबान नहीं खुली, तुमने कपिल मिश्रा पे आज तक FIR नहीं किया, अनुराग ठाकुर पे FIR नहीं किया, और तुमने किया क्या? दिल्ली दंगा पीड़ितों को छोड़ दिया, दिल्ली को जलने दिया, अमित शाह से साठ घाट कर लिया तुमने, और जिसके वोट से तुम सत्ता में आए आज उसे मरवाने कटवाने की राजनीति कर रहे। जब तुम्हारे ही पार्टी का एक विधायक दंगा पीड़ितों की मदद कर रहा था, अमानतुल्ला खान, तो तुमने उसको भी वक्फ बोर्ड से हटा दिया। तुम्हारा ये दोहरा चरित्र जनता के बीच आ गया है केजरीवाल, तुमको लोग मफलरधारी समझ करके समर्थन कर दिया, लोगों ने सोचा चलो एक अच्छा नेता मिला है, लेकिन लोगों की गलतफहमी थी, तुम जैसे कट्टरपंथी सोच के लोगों पे जनता ने विश्वास किया, ये दिल्ली के लिए दुर्भाग्य है। मैं दिल्ली की जनता से अपील करूंगा
कि ऐसे नेताओं से होशियार रहें जिसने 3 दिनों तक दिल्ली जलने पे जबान नहीं खोली, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, जो आतंकियों ने दंगा कराया उस पर आज तक FIR नहीं हुआ, और जो लोग सूचना दिया कि हमारी मदद करो यहाँ फंसे हैं उस पर FIR कर दिया, उसको बदनाम कर दिया, उसको देश में ऐसे पेश कर दिया मानो जैसे पूरा कोरोना वायरस मरकज लेकर के आ गया होगा। अरे सबसे बड़ा वायरस इन दिनों केजरीवाल है, अमित शाह है, और उससे भी बड़ा वायरस अगर है तो ये दो चार जो दोगली और दलाल मीडिया है, गोदी मीडिया है, ये है, इनसे बचो। ये देश एकता अखंडता और लोक को मानने वाला देश है, सदियों से हिंदू मुस्लिम रहते आए हैं, ये 2014 के बाद से जो माहौल बना है इस माहौल से बचो और ऐसे लोगों के खिलाफ सड़कों पे आओ। अब देखिए लॉकडाउन के नाम पे क्या हो रहा है, सरकार ऐलान कर रही है मैं राशन दूंगा ये दूंगा, कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसका काम क्या हो रहा है, सारा मामला ये इसी में सजाएगा। पुलिस को खुला छोड़ दिया, मारो, लाखों की तादाद में मजदूर भटक रहे हैं, पैदल गांव की ओर निकल रहे हैं, उनकी पुरसाने हाल करने वाला कोई नहीं है, मर रहे हैं लोग, जितना कोरोना वायरस ने मरे उससे ज्यादा मर चुके हैं मजदूर, लेकिन ये दलाल गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया। आज तक किसी को राशन नहीं मिल रहा, किसी का इलाज नहीं हो रहा, ये कोरोना वायरस को ऐसा फैला दिया है मानो सरकार अपने सारे वायरस को इसी बहाने छिपाएगी, इसलिए जागने की जरूरत है। अब देखिए ये जो CAA पे चल रहा था मामला, CAA और NPR NRC को लेकर के 3 महीने तक आंदोलन चला, उस बीच भी सरकार ने अपना जो काम था वो नहीं किया, न कोई वार्ता किया, कुछ भी नहीं किया। अब इसको एक मौका मिल गया कि चलो इसी मरकज के बहाने मुसलमानों को टारगेट करें, मीडिया के पास भी कोई मवाद नहीं था, इन्होंने एक साजिश रचा और एक ऐसा माहौल बना दिया है कि मरकज से ये कोरोना फैला है। ये बात माथे में हजम नहीं हो रहा है कि जो वायरस चीन से चला, अमेरिका दहशत में है, भारत जैसे देश में ये आकर के धर्म परिवर्तन हो जाता है कोरोना वायरस का, ये दुर्भाग्य है। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि सरकार की नीति को समझें और सबसे जो खतरनाक है देश की दुगली या गोदी मीडिया उससे बचें, उसका सोशल बायकॉट करें, घरों में चैनल को बैन करें, नहीं देखें अगर देश को बचाना है तो। अब देखिए मुसलमानों का मामला, आज पूरी दुनिया में अगर इस बीमारी में सबसे आगे बढ़ के कोई बचाव के लिए आ रहा है तो वो मुस्लिम समाज है, और उस पे आरोप क्या लग रहा, गद्दार, अपराधी, तालिबानी, न जाने क्या क्या। भारत में भी जो सोशल वर्कर हैं या जो भी सामाजिक तंजीमें हैं जो काम कर रही है उसमें भी मैं देख रहा हूं कि बड़े पैमाने पे जो मुस्लिम तबका है वो भी आगे बढ़ के काम कर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, दुगली या गोदी मीडिया इसको धर्म के नाम पर एक ऐसा माहौल बना दिया है कि जिससे जनता में ये मैसेज जाए कि मुसलमान इसका पालन नहीं कर रहा। कैसे पालन नहीं कर रहा, घरों में लोग बंद हैं, भूखे मर रहे हैं, सबसे कम रोजगार मुसलमानों के पास है, करोड़ों लोग इस लॉकडाउन में भूखे हैं, सरकार ने कभी शुद्धि ली, आज तक नहीं ली, इसलिए इस तरह का माहौल बनने से बचें और इसको कोरोना को एक आपदा समझें, एक कुदरती आफत समझें, इससे हम सबों को निपटना है। मैं तमाम लोगों से यह अपील करता हूं कि इस बीमारी से निपटने के लिए जो सरकार का ऐलान है लॉकडाउन का उसका पालन करते रहें, लेकिन सरकार से भी मेरा कुछ प्रश्न है, चाहे स्टेट की हो या सेंट्रल की हो, कि आपने पुलिस को जो खुला सांठ बना दिया है, प्रशासन को जो छोड़ दिया है, जो इमरजेंसी के हालात बना दें, इमरजेंसी में भी पुलिस का ऐसा बर्ताव नहीं होता जैसा अभी हो रहा है, जो जरूरी काम से निकल रहे हैं उस पर लाठियां बरसाई जा रही, FIR कर दिया जा रहा, ये सब नहीं चलेगा। आप या तो राशन पहुंचाएं घरों में तो फिर ये फरमान जारी करें, रुपया डालें अकाउंट में तो ये फरमान जारी करें, सहूलत कुछ भी नहीं है, लोग इमरजेंसी में घरों से निकल रहे हैं उस पर बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठियां चलाई जा रही है, ऊपर से फरमान जारी हो रहा है, झूठ पे ये सरकार टिकी हुई है, ये सब नहीं चलेगा। सरकार गंभीर हो, आज जो मजदूरों का, गरीबों का जो हाल बना हुआ है,
राशन नहीं है, पैसे नहीं है, उस तक सरकार पहुंचे, सरकार पहुंचाए, ये सिर्फ टीवी पे और प्रशासन से और इससे ऐलान करवाने से कुछ नहीं होगा। जनता जिस तरह से त्रस्त है, मुझे लगता है कि अगर 2-3 दिनों में सरकार गंभीर नहीं हुई तो जो अराजकता फैलने की नौबत है वो सड़कों पे गरीब आवाम आ जाएगी, सरकार तब तक उसके हाथ से सारा मामला निकल जाएगा। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आप इस मामले में गंभीर हों और धर्म की राजनीति बंद करें, वोट की राजनीति बंद करें, और मौलाना साद साहब जिनको टारगेट कर रहे हो, मरकज को टारगेट कर रहे हो, ये सब बंद करो। अगर ये तुम अपनी नाकामी छिपा रहे हो, केजरीवाल जैसा कट्टरपंथी जिसको जो पहले ये ढोंग रचा दिल्ली दंगा के टाइम में, पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, फिर अचानक से मौलाना साद के टाइम में तुम्हारे पास पुलिस कहां से आ गई, ये सब नौटंकी बंद करो। और जिस तरह से 2014 का भारत था, 2014 से पहले का वो भारत रहने दो, हमें नहीं चाहिए ये नया भारत, आतंकवादियों की सरकार वाला भारत, आतंकी मीडिया वाला भारत, देश में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने वाला भारत नहीं चाहिए। तुम्हारी राजनीति हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान बस यहीं तक रह गई है। देश की जनता को क्या चाहिए नहीं चाहिए इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। जनता मरे, तुमने अरबों रुपया लोगों से चंदा ले लिया, एक रुपया तुमने जनता के बीच नहीं बांटा, बड़ा गंभीर मामला है। मैं तो जनता से भी अपील करता हूं कि एक रुपया मत दो सरकार को, अपने स्तर से लोगों की मदद करो। ये वही लोग हैं जो भारत को बेच देगा कुछ दिनों में, लगभग बेच चुका है, भाग जाएगा आपका पैसा लेके, गरीब मर रहे हैं। आप बताओ 2014 से पहले इस देश में हिंदू मुस्लिम रह रहे थे कि नहीं, मंदिर मस्जिद में लोग अपनी इबादत कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, ये सब नौटंकी है सरकार की। सरकार की विफलता का परिणाम है कि ये दिन आज देश में देखने को मिल रहा है। अमित शाह कहां गायब है, मैंने पिछले दिनों भी कहा कि अमित शाह जब गायब हो तो या तो देश में दंगा होगा या फिर कहीं ना कहीं कोई बड़ी घटना घटेगी। तो अभी इसने गोदी दलाल मीडिया के साथ मिलकर के जो 1 हफ्ते 10 दिन का ये ड्रामा था, इसको कैसे अपनी सरकार की निकम्मीपन को छिपाएगा, तो इसने निजामुद्दीन के मरकज को लाके रख दिया और उसको ऐसा बना दिया मानो सारा कोरोना वायरस निजामुद्दीन से निकल गया। अरे कहीं वायरस नहीं है, सबसे बड़ा वायरस तो अमित शाह और ये गोदी दलाल मीडिया है। मैं जनता से अपील करता हूं कि आप समझो, जागो, जगाओ और देश को बचाओ।